महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ये आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ी है, जो किसी तरह अपने घर जाना चाहते हैं। वजह महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से की जा रही सख्ती। इन प्रवासी मजदूरों को लगता है कि काम रोजगार बंद हो गया है तो खाएंगे कहां से और रूम का किराया कहां से देंगे, लिहाजा गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। काम बिल्कुल बंद हो गया है। इनमें से अधिकांश मजदूर ऐसे भी हैं जो पिछले साल देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद कोई ट्रक से, कोई टेम्पो से तो कोई पैदल ही घर के लिए निकल गए थे। हालांकि उस दौरान कई प्रवासी मजदूरों की मौत भी हो गई थी। इन मजदूरों की माने तो इन लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया है, लिहाजा गाँव जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15% कर्मचारी ही रह सकते हैं। पिछले में ये 50% था। शादी में सिर्फ 25 लोग शामिल हो सकते हैं और शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे तक इजाजत है। इस नियम को तोड़ने वाले को 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकारी बस 50% की क्षमता पर चलेगी। खड़ी रहकर सफर करने पर रोक। महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रीजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी। यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से अनुमति लेना होगा। लोकल ट्रेन यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा। लोकल ट्रेन से अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखा कर ही मिलेगा टिकट। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।